वैशाली में जाकर उस समय दिया था जब वह रोग महावारी अकाल अनुविष्ट तथा प्रकृति की अनपेक्षित विपत्तियों से घिरी हुई थी। बुद्ध के समय में अनेक ऐसे अवसर आए जब इस प्रकार के अनेक तुम अपना काम तो उधर ध्यान ही होते होगे। हाँ आप बोलते जाओ। प्रकार के अनेक सूक्तों का पाठ करके लोगों ने अपने दुखों से मुक्ति प्राप्त की और कल्याण साधना। यह सुस्त ही बुद्ध और शक्ति के गुणों का वखान करता है जो कि चिरतन के भिन्न पक्षियों का विस्तार से वर्णन करता है। प्रत्येक गाथा के अंत में बुद्ध कहते हैं कि इस सत्य के शुभ परिवार रूप आप सबका मंगल हो। स्वस्तियों का विशिष्ट वर्ग के मुखियों देवताओं के राजा शर्क ने अपने अन्य महापुरुषों लोगों को भी बुलाकर एकत्र किया और उपदेश सुनकर वैशाली अनार्षियों की सहायता करने को कहा। उन देवताओं विशिष्ट लोगों से बुद्ध ने कहा कि वह अपने मैत्री और करुणा से नगरवासियों का कल्याण करके और उनकी रक्षा करके, क्योंकि वे साधारण जनसंदेह ही देवताओं विशेष लोगों को प्रसन्न रखने के लिए उनको भोजन आदि दिया करते हैं। इस प्रकार वह देवगण विशिष्ट लोगों अपने धर्म आप अपने आवाज तेज रखो अपने धर्म का पालन करें। भगवान बुद्ध की करुणामय वाणी को सुनकर वे प्रसन्न हुई और उन्होंने चित्रंत्र के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए अंतिम तीन कथा में अपने मन की बातें कही हैं। सभी उपसाहकों ने विशेषता निवेदन है इस रतन सूत्र का पाठ नित्य प्रतिदिन वे बीमारी परेशानी दुख